नमस्कार दोस्तों, आज हमारा क्लास है डीएनए के बारे में, मगर ये समथिंग स्पेशल है जो आप बहुत बहुत पसंद करने वाली क्लास है। तो हमारे डीएनए में जो 12 लेयर्स हैं, वो 12 लेयर्स में भी हमारे पास स्टार गैलेक्सी से आया हुआ 12 वैरायटीज ऑफ 12 टाइप्स ऑफ प्लेडियंस हैं, मींस 12 टाइप्स ऑफ एलियंस हैं। सो वो एलियंस ने अपनी अपनी जेन्यू हमको दिया है। तो किसने क्या जेन्यू हमारे को दिया है, विच क्रोमोसोम्स हमारे अंदर आए हैं और वो कौन सी डीएनए स्टैंड के ऊपर हमारा काम कर रहे हैं, और हमारा अंदर डीएनए में वो एक्टिव होने की वजह हमको क्या क्या गिफ्ट्स यूनिवर्स से मिलने वाले हैं, और जो परेशानी हमको आती है लाइफ में उसको क्लियर करने के लिए ये स्टार डीएनए हमको कैसा यूज होती है, और ये क्लस्टर ऑफ एनर्जीज कैसा है, और ये प्लेडियंस कौन है और किससे कनेक्टेड है, हमको क्या मदद करेंगे, कैसे मदद करेंगे, ये मदद करने के बाद हमारे साथ क्या मीन्स अद्भुत होने वाले हैं, हमारे लाइफ में कौन कौन हमको कनेक्ट होने वाले हैं, फिर उस एनर्जीज के साथ और उस इंफॉर्मेशन के साथ हम आगे इस वर्ल्ड को कैसे हेल्प करने वाले हैं, और हम हजारों लाखों लोगों को कैसे कनेक्ट होने वाले हैं। फिर कई लोग मुझे पूछते हैं, मैम मैं हीलर बन सकता हूँ, मैम मैं क्रिस्टल यूज कर सकती हूँ, मैम मैं मुझे क्रिस्टल्स बहुत इंटरेस्ट है मैम, मगर मैं कैसे वो करूँ, मैम इस धरती पूरी को हील करने के दिल चाहते हैं मैम, मैं बहुत सारे लोगों को हेल्प करना चाहता हूँ मैम, मगर मुझे खुद ही इतनी परेशानी है, मैं कैसे बाहर आऊँ मैम, मुझे ऐसा लगता है कि मैं शाकाहार की रैली करूं, मैं बहुत सारे जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनको हील करूं, मगर मेरे पास इतना पैसा नहीं है और मेरे पास इतना टाइम और घर पे अलाउ नहीं करते हैं, तो मैं क्या करूं, ऐसे पेट एनिमल से प्यार, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे पेड़ पौधे हैं स्वैग कर दूं, सेव वाटर एंड गो ग्रीन वैसे करूं, मैं वो कर दूं ये कर दूं, मगर मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूं मैम, मैं बंद हो गया हूं घर में, फैमिली में, सोसाइटी में, और फाइनेंशियली और कई क्राइसिस की वजह, मैं अपनी परेशानी की वजह मैं कुछ भी कर नहीं पा रही हूँ। सो यू ऑलरेडी हैव अ स्टार डीएनए, मगर आपके पास्ट के कर्मास की वजह आप उसको क्लियर करके आगे जा नहीं पा रहे हो। ओके, सो इस सिचुएशंस में हम जनरली क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल एनर्जी बोलते हैं, मगर अभी तक मैंने शुरुआत के दिन से आज तक यूनिवर्स में बहुत सारे एनर्जी से आपको परिचय किया है। सब लोग जनरली क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल एनर्जी एक वर्ड बोलते हैं, मगर नहीं, यूनिवर्स में हर स्टेज की बहुत सारे एनर्जीज हैं, उनके नाम है और स्टोरी है, ओके, और इनका काम क्या है। तो वो हमने सन एनर्जी है, फिर नक्षत्र की एनर्जी है, फिर सन एंड मून का है, तो हमने कई चीजों में उसकी काम क्या है और उसका नाम क्या है और वो कहाँ रहते हैं और वो हमारा बॉडी में किस चीज पे और साइकोलॉजिकली क्या हील होता है, हमने अभी तक बहुत सारे स्टोरीज अभी तक आपने सुना। ये नया स्टोरी है, शायद ये 12 एपिसोड्स चलेगा, फिर हमारे अंदर जो 12 डीएनए है वो 12 को एक्टिव करने के लिए फिर कौन कौन हमको हेल्प करते हैं। ओके, सो मैं जल्दी जल्दी इसको बोलना नहीं चाहती हूँ, ये चीज को हम पर्टिकुलरली परफेक्ट समझेंगे तो वो एनर्जी हमारे अंदर कंप्लीट उतरती है, तो उसके लिए हम कंप्लीट हमारा एफर्ट्स लगा के काम कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट वन इज ये प्लेडियंस है, एलियंस में जो फर्स्ट वन इज प्लेडियंस, आर्किटोरियंस, सीरियंस, ओरियंस, एंड्रोमेडास, अल्फा सेंटुरियंस, वीनस एंड और कौन था, उर्फा माइनर्स एंड उर्फा मेजर्स एंड और कौन है, और अल्फा ड्रोनियंस एंड वेगास एंड लास्ट है लाइरास। इतने सारे लोग हैं जो हमको मदद कर रहे हैं, और जो भी स्पिरिचुअलिटी में आपके साथ कभी कभी चमत्कार जो होती ना, वो चमत्कार कैसे होती है और कौन कर रहे हैं आपके साथ चमत्कार, यही लोग हैं। ओके, और आपके एंसेस्टर्स ने जो जो जिस जिस डायमेंशन में पहुंच गए हैं, वो लोग वहां की इन लोगों के साथ, इन एनर्जीज के साथ कनेक्ट होके आपकी डीएनए में ये लोग प्रवेश होके और ये इनकी स्थितियों को आपके अंदर
एक्टिव करवा के आपको इस तरह की काम करवाते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट अबाउट फर्स्ट प्लेडियंस. हम आज प्लेडियंस के बारे में जानेंगे. और सबका शक्ल अलग है, सबका शक्ल अलग है और बॉडी स्ट्रक्चर अलग है और इन लोगों की काम अलग है और इन लोगों की हाइट अलग है. और कई कई लोग इनको फिजिकल बॉडी है मानते हैं, कई कई लोग ओनली एक ग्रुप ऑफ क्लस्टर, ओके, एक ग्रुप ऑफ एनर्जी है जो ब्लूइश कलर रेसेस में इस धरती को टच होता है, जो जो इस तरीका के स्वभाव रखते हैं अपने अंदर, उन उन लोगों को ये ब्लू कलर की ये प्लेडियन की एनर्जी टच होके उन लोगों की मस्तिष्क में इस तरह का की बिहेवियर, इस तरह का की इंफॉर्मेशन उनके अंदर देते हैं. फिर वो इंसान चेंज होके फिर धरती में बहुत सारे लोगों को वो इंफॉर्मेशन एंड वो काम आगे बढ़ाने के लिए जो एक टेक्निक्स होती ना, टेक्निक्स और बहुत इजी पद्धति, वो चीज फिर वो आगे इंफॉर्मेटिव देते हैं. नेम की स्पेलिंग्स ओके मैं आपको बता रही हूँ. आज टुडे है प्लीडियंस, PLEIADIAN प्लेडियन. ओके, जो रोज जब भी हम जिसके बारे में बात करेंगे उनकी स्पेलिंग बताती हूँ मैं. ओके, प्लेडियंस, हम प्लेडियंस के एनर्जी हमारे पास है या हम प्लेडियन बनना चाहते हैं या प्लेडियन की एनर्जी तो आ रही है, उसको कैसे इस्तेमाल करना है, इसके कुछ सिम्टम्स हैं. ओके, अभी एक मेडिटेटर के क्या सिम्टम्स हैं, पहले की अभी हमारे अंदर कैसे सिम्टम्स चेंज हुआ है, वैसे ही एक प्लेडियन की बिहेवियर अलग होती है. सो हम भी उस प्लेडियन वर्ल्ड में एक मेंबर होते हैं या हम मेंबर होते हैं और उसके साथ साथ हम वर्क करते हैं. इसका मतलब हम दूसरी डायमेंशन में भी इन लोगों के साथ जी रहे हैं. जब हमारा डीएनए के अंदर ये प्लेडियन की जेन्यू एक्टिव होती है तो हम जब भी श्वास ले रहे हैं और इधर छोड़ रहे हैं, वहां का भी इंफॉर्मेशन जब हम ले रहे हैं, वो स्टार डीएनए एक्टिव हो गई है तो वहां का भी हम इंफॉर्मेशन लेना शुरू कर दिया, तो हम आंख बंद करके 2 मिनट भी सांस लेके छोड़ रहे हैं, वहां जो भी काम चल रहे हैं उस चीज को आप समझ रहे हो और वहां की जो भी इंफॉर्मेशन धरती पे आ रही है वो भी आप समझ रहे हो और इधर लोगों को आप वो इंफॉर्मेशन को आप ट्रांसफर कर पा रहे हो, मीन्स आप दूसरी दुनिया में भी जी रहे हो. ये कैसे बताऊं, क्रिश का जो पिक्चर आए थे ना, क्या है वो पिक्चर का नाम, समथिंग एल्स लाइक, क्या है उस पिक्चर का नाम मंजू जी, याद करती मैं भी, ऋतिक रोशन है इसमें, ऋतिक रोशन की जो पिक्चर आया था वो एलियन जो नीचे आए थे, फिर वहां की इंफॉर्मेशन से टेक्नोलॉजीज हमने दूसरी वर्ल्ड से जैसे कनेक्टेड हुआ है वैसा ही, हाँ कौन कोई मिल गया, यस कोई मिल गया, कोई मिल गया. और इसके अंदर जो कई तरीका की जो अद्भुत शक्ति है जो इनके अंदर वो आ गए हैं और ये मैक्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पा रहे हैं और फ्यूचर देख पा रहे हैं और दौड़ पा रहे हैं और कई चीज कर रहे हैं, वो क्या है, एक फिल्म है. इसकी वजह क्या किया था उसको, थोड़ा सा लोगों को एक्साइटमेंट के लिए फिर उसके अंदर ऐसा पावर्स दिखाया, जैसे वो बास्केटबॉल खेलता है तो वो उड़ जाता है, वो करता है, ये करता है, ऐसा उड़ने की जरूरत मीन्स ऐसा तो सच में उड़ते नहीं है, मगर हाँ हमने बॉल डाला तो वो जरूर मिस नहीं होगी, बास्केट में डलेगी डलेगी, ऐसा नहीं उड़ के ही हम डालेंगे, मगर वो फिल्म है थोड़ा क्रेज लेके आने के लिए वैसा डाला था. ओके, फिर ये इन लोगों में इतना ही एनर्जीज होते हैं कि किसी भी चीज को हवा में कोई चीज उड़ रही है, वो कर रही है, ये कर रही है, फिर ऐसी चीज वो फिल्म की वजह से डाला था, मगर सच में ऐसा ही एनर्जीज एंड ऐसा ही शक्ति आते हैं. हम एक तो फर्स्ट हमारे बारे में सब चीज समझ सकते हैं और हमारे प्रॉब्लम्स को हम क्लियर कर सकते हैं, दूसरा सामने वाले को भी हम समझ सकते हैं और सामने वाले की हर बात पे हमारे को समझ में आना शुरू होती है, तभी हम हीलर बन सकते हैं. ऐसा कुछ भी नहीं, आप 1 लाख रुपए फीस कहीं पे कर लिया तो आप हीलर बन गया,
और 3 दिन की शॉर्टकट की क्लास अटेंड कर लिया और कुछ इतना बड़ा जादू तोने वाले कुछ कोई आ गया कि आपने उसकी नीचे व्हाट यू कॉल आजकल 1 लाख रुपए में 1.5 लाख रुपए में क्या कर रहे हैं कुंडली ने अवेकनिंग कर रहा और कोई शक्तिपात कर रहे हैं, तो आप वो हो गया सच में आपके अंदर ये स्टार डीएनए एक्टिव हो गया है, तो अपने आप ही आपके अंदर हीलिंग की एनर्जी आ जाएगा। फिर इसके लिए कोई और आपको मदद नहीं कर सकता है, आपको हम रास्ता दिखा सकते हैं। भैया आपको हीलर बनना है और आप हील करते हो तो सामने वाले के साथ सही होना चाहिए। आप एक आवाज निकालते हो, एक लफ्ज बोलते हो, फिर उसके ऊपर लाखों लोग आपकी बात सुनना है, तो आपको एक एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी प्लेडियन से आपको आप ले सकते हो, फिर वो प्लेडियन से एनर्जी लेने की पूरे रास्ता में बता सकते हो, मगर आप अपनी कुचित बुद्धि, कोई भी दुख, कोई भी गलत तरीका है उसको चेंज नहीं करके आप वो एलियंस को उसको इसको बुलाओगे तो फिर आपकी एनर्जी जो लोअर लेवल पे है तो कोई भूत प्रेत ही आएगा, एलियंस नहीं आएंगे। ये और बात समझ लीजिए, तरीका जानने से काम नहीं होता है, हम बदलने से ही काम होती है। ओके काली, एक नॉलेज इज डिफरेंट थिंग एंड प्रैक्टिकल इज, हम किसी को हील नहीं कर रहे जी, अभी मुझे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है। ओके अभी हमको मुझे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आया, मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ, मैं किसी को भी कुछ हील नहीं कर रही हूँ। अब उस इन्फॉर्मेशन को लेके आप भी उस एनर्जी से कनेक्ट होके फिर आप अपने आप को हीलिंग क्लीनिंग जो भी हो, कर्मा क्लीनिंग जो भी हो, आप खुद ही कर रहे हो, हम मेडिटेशन में जो कर रहे हैं वो है। फिर हम सामने वाले को भी एक रास्ता बता सकते हैं, कोई तकलीफ में है वो है। फिर इतनी सारे मास्टर्स पहले नॉर्मली घर पे रह के अपना काम करने वाला और ऑफिस सुबह जाके शाम के आके चुपचाप रहने वाले, सडनली उनके अंदर फिर इतनी सारे बातें चीते करने की एनर्जी आके इतनी सारे टॉपिक्स पे, इतनी लाखों टॉपिक्स पे एक एक इंसान बात कर रहे हैं। अब कहीं और क्यों, मुझे देख लीजिए, मैं सन से लेके सूरज से लेके तारे से लेके डीएनए से लेके बैकबोन से लेके नस नस की बात कर कैसे कर रहे हैं हम, हमको इन्फॉर्मेशन कौन दे रहे हैं? ये है एलियंस है जो इन्फॉर्मेशन देते हैं जब हम इनसे कनेक्ट होते हैं, जो नीचे और भी लोगों को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हमारे थ्रू देते हैं। और दूसरा बात, मैं दो दो ढाई ढाई घंटे भी क्लासेस बोला हुआ ऑनलाइन में वीडियोस है, कहीं भी कुछ भी नहीं देखा, वो इन्फॉर्मेशन आती रहती है, हम बोलते रहते हैं, इन्फॉर्मेशन आती रहती है, हम बोलते रहते हैं, ये एंटीना उनसे कनेक्ट हो जाती है तो यूनिवर्स से इन्फॉर्मेशन आता है। ये एंटीना कैसे कनेक्ट होएगी, फिर ये एंटीना आपको कनेक्ट नहीं क्यों नहीं हुआ, हर किसी को भी, जैसे 100 लोग मेडिटेशन कर रहे हैं ओनली 5 लोग को एंटीना कनेक्ट हो रही है, फिर वो 95 लोग क्यों रह गया, फिर वो जो रह गया इच्छा तो है दिल में मगर वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो वो कनेक्शन करवाने के लिए आज ये क्लास है। ओके सो लेट्स स्टार्ट इंफॉर्मेशन अबाउट प्लेडियंस एंड प्लीज लेट्स प्रे टू देम। हमारे अंदर कोई भी गलती है और समझ नहीं होने की वजह हम स्पिरिचुअलिटी में हायर पे जा नहीं पा रहे हैं, हमारा गलतियों को हमारे सामने लेके आके हमारे को ज्ञानोदय करवा के फिर हमको स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आगे लेके जाइए, और हर मिनट हर काम मुश्किल में भी आपकी इंफॉर्मेशन हमको चाहिए, और आपकी टेक्नोलॉजी को हम धरती पे लेके आके अर्थ असेंडिंग में हमारा कंप्लीट एनर्जी लेवल्स को हम यूटिलाइज करेंगे। वी आर सरेंडर्ड टू द यूनिवर्स एंड वी आर सरेंडर्ड टू द यूनिवर्सल एनर्जीज। आज हमको प्लेडियंस की इंफॉर्मेशन लेने की ताकत, हमारा डीएनए को एक्टिव करने की ताकत, हमारा क्रोमोसोम्स को एक्टिव करने की ताकत प्लेडियंस से मिल रही है विद द गाइडेंस ऑफ महावतार बाबा जी एंड ब्लेसिंग्स ऑफ पत्री जी। आई एम ओनली इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मर टू दिस वर्ल्ड एंड आई रिमेन एज अ वर्कर and I'm a friend to the world, to the humanity and all the living beings on the earth. Thank you masters, thank you masters, thank you masters.
वाह, ये 2 मिनट आंख बंद कर रहा तो मुझे ऐसे लग रही थी एक बहुत येलोइश कलर की गेहूं की फील्ड में प्लेडियंस नीचे उतर के ब्लूइश ब्लूइश में एक एक लाइट नीचे उतर रहे जैसी दिख रही थी। थैंक यू टू द प्लेडियंस, लेट्स स्टार्ट द क्लास। वाकई में सच में प्लेडियंस आया है आज हमारे डीएनए को एक्टिव करने के लिए। आई कैन फील द एनर्जीज। सो प्लेडियंस कौन है, क्या है? एक सबसे पहले प्लेडियंस को ये मेरा चेकिंग में मैंने प्लेडियंस की एनर्जी के साथ जब काम किया था, जब मैंने इनको चेक किया था मेरे डाउजिंग के थ्रू, जो मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है उसके थ्रू मैंने कई लोगों की जैसे कुंडली भी देखते हैं, कई एनर्जीज चेक करती हूँ और इनका नक्षत्र नाम और कई चीजें बायोडेटा चेक करती हूँ, तो मुझे ये भी समझ में आती है ये स्टार वर्ल्ड कहाँ से आया और इनकी कुंडली की वजह से भी वहां जो प्लेसमेंट होती है इसकी वजह ये एलियन में भी ये कौन सी नक्षत्र से आया, कौन सी राशि में पैदा हुआ, तो उसी से भी कई चीज पता चलती है। और ये कर्कटक राशि जैसे वाटर मीन राशि जो वाटरी साइंस की जो राशियां हैं उनकी ज्यादा ये प्लेडियंस मींस उनकी डीएनए ज्यादा एक्टिव रहती है इन लोगों में पीसीस। ओके, सो मैं आगे आपको और डिटेल बताती हूँ। और किस राशि से हम जन्म लिया उससे भी अपन को थोड़ा बहुत ये भी हमारे अंदर कौन सी डीएनए है और ज्यादा क्या एक्टिव है ये भी पता चल जाती है। एंड नेक्स्ट, ये आपको कई लोगों को मालूम है कि साउथ इंडिया में तमिलनाडु में एक टेम्पल है, इसका थंब इम्प्रेशन के थ्रू हमारा पूरा कुंडली बताते हैं, है ना? वो भृगुनाडी, और वो भृगुनाडी की टेम्पल है, बृहदीश्वरुडु वहां के शिवा के नाम है। इन कई शिवा की ऐसी टेम्पल्स हैं जो स्वयंभू हैं, ये प्लेडियंस की इंफॉर्मेशन के थ्रू ही कि कई राजाओं ने ये अद्भुत और सीक्रेट एनर्जीज टाइप्स की जो मंदिर, सो ये प्लेडियंस की, नीचे प्लीज कोई भी टाइप मत करना उससे क्या मेरा एनर्जी डिस्टर्ब होती है, तो मैं अभी क्लास छोड़ के मैं वहां नीचे पढ़ने सकती हूँ, मैं वहां पढ़ूंगी तो मैं क्लास डिस्टर्ब हो जाऊंगी, नीचे कोई भी कमेंट मत करना। सो वहां की जो टेम्पल है और ऐसा कई अद्भुत की मंदिर है, अरे यार एक इंसान उस टाइम में बिना टेक्नोलॉजी की कौन सी टेक्नोलॉजी से इतना बड़ा मंदिर ऐसा कैसा बनाया कि कई मंदिरों में ये है, वो है जब ये प्लेडियंस है, सिसरोस है, वेगन्स है, ये लोग जब नीचे इंफॉर्मेशन एक इंसान को देता है तो ये बिना कुछ भी टेक्नोलॉजी का भी वो चीज को कैसा बनाना है उनकी टेक्नोलॉजी को यूज करके ये अपने आप उसको बना सकते हैं। ऐसा ही ये थंब इम्प्रेशन की जो तमिलनाडु में एक टेम्पल है वो वैसा ही राजा को मीन्स कई ऋषियों को फिर इनकी इंफॉर्मेशन आके फिर ये लोग वो टेम्पल बनाया है। और वो सारे जो लिखा है तालपत्र ग्रंथ में वो है अगस्त्य महर्षि, मेरा सबसे पहला गुरु है जो मैं 7th क्लास में इनकी एक बार फोटो देखी थी, उस टाइम से जैसे मैं फैन हूँ अगस्त्य महामुनि की। वो फोटो देखते ही ऐसे लग रहा था कि मैं जब छोटी बच्ची हूँ और मैं इनके पीछे 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 घूम रही हूँ और इनसे कई चीजें मैं समझ रही हूँ और सुबह उठ के इनकी पैर को नमस्कार कर रही हूँ। तब मुझे कोई स्पिरिचुअलिटी में कुछ भी एंट्रेंस नहीं थी, इस घर में मम्मी पूजा पाठ करती थी, मुझे कुछ भी पता। इनकी फोटो जो देखी थी तो मेरा माइंड में ऐसे चप गई जैसे हम किसी हीरो की फैन हो जाते हैं, हीरोइन की जैसे फैंस हो जाते हैं और उस हीरो की जितने भी फिल्म आते हैं सब देखते हैं, इनके हीरो के एड भी आते हैं वो एड भी कैसे देखते हैं, वैसा मैं फर्स्ट माई हीरो एंड माई फैन, आई एम बिग फैन ऑफ अगस्त्य महामुनि। ओके, सो मुझे ये डाउट था ये अगस्त्य महामुनि नॉर्मली जो भी ओल्ड एज की मीन्स पूर्वज लोगों के जिसी का भी बताते हैं जैसे रावण है, राम है, कृष्ण है, किसी भी चीज की, वो लंबे लंबे चौड़े हैं, बहुत बलशाली हैं, बहुत हाइट है, वेट है और आजान वाह बोलते हैं, मीन्स ये हाथ उनके पैर के घुटने तक आया जैसा वैसे दिखाते हैं।
मगर अगस्त्य महामुनि इज अ शॉर्ट पर्सन, मीन्स ओनली 4.5 to 5 feet हाइट है अगस्त्य महामुनि, और थोड़ा सा कंधे ऐसे रह के और लॉन्ग बियर्ड, ओके कौन टाइप की लॉन्ग बियर्ड है वो. तो मैं सोचती थी जब इन लोगों के पास इतनी टेक्नोलॉजी इतनी पावर है, ये अपनी लंबाई बढ़ाने के लिए कोई चीज इस्तेमाल कर लेता, कोई चीज इस्तेमाल करके लंबी बढ़ लेता. जब इन्होंने पूरा इस धरती पे जितने भी इंसान पैदा होते हैं, जैसे इंडियन हो, अमेरिकन हो, ऑस्ट्रेलियन हो, और कहीं भी हो, एक जीवी इस धरती में पैदा होएगा किसी भी काल में, ये 11th सेंचुरी में ये मंदिर बनी है, कब 11th सेंचुरी में, वो उस टाइम से लेके अर्थ एंड तक जो भी जीवी इस धरती में पैदा होएगा उनकी बारे में सारे हिसाब ये थंब प्रिंट लेके उस मंदिर में लिखा है. आप यकीन कर सकते हो उस मंदिर में है इसके बारे में. अब मैं जाऊं तो मेरा प्रिंट मिल जाएगा, आप जाओ आपकी प्रिंट मिल जाएगा, कोई भी फॉरेनर हो, इंडियन हो, ऑस्ट्रेलियन हो, रशियन हो, ग्रीस हो, जो भी पर्सन इसका थंब प्रिंट दे दिया वहां इसका पूरा हिस्ट्री मिलेगा. और हिस्ट्री में भी आपकी मदर का नाम, फादर का नाम और आपकी मामा की नाम, मामा की नाम बता देगा. और आपकी एक 7 चैप्टर्स होते हैं इसमें. एक तो फर्स्ट चैप्टर अभी का मिलती है, इसके बाद पास्ट लाइफ में आपने क्या बुरा कर्म किया वो चैप्टर मिलेगा, फ्यूचर में आपको अभी क्या रेमेडीज करना है रेमेडी चैप्टर मिलेगा, और आपने ये सारे रेमेडी करे तो आपको नेक्स्ट जन्म में कौन सी जन्म मिलने वाले हैं, रेमेडी नहीं करे तो क्या जन्म मिलने वाले हैं, ये भी लिखे रहे वहां. आप यकीन कर सकते हो इतना कथा लिखे हैं ये सारे एक शॉर्ट महर्षि ने, 4.5 feet की एक महर्षि ने लिखा है. वो बाद में मुझे महर्षि को मैंने कई बार पूछने के बाद ये बताया कि मेरा शॉर्ट हाइट ही इसकी वजह मेरा अंदर एक एंटीना है. वो अभी एंटीनो का हम सेट करते हैं ना, जैसे डिश को एक एक एंगल पे वो सेट होके फिर वो सिग्नल्स को लेके फिर वो प्रसार करती है. तो ये सारे हर उसको प्रसार करने के लिए हम ये भी बोलते हैं ना, जैसे शॉर्ट आदमी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, शॉर्ट आदमी बहुत तेज होता है, हम जनरली वो बोलते हैं लंबे आदमी कितनी अकल नहीं रहती है, जितना लंबा है उतने कम अकल रहते हैं. फिर वो शॉर्ट पर्सन को इसलिए वो कई तरीका के एंटीनास ले सकते हैं. फिर उसने हर डायमेंशन की इंफॉर्मेशन लेके वो सोल किस स्टार वर्ल्ड में पैदा हो गई, फिर वो किससे आया और ये धरती क्यों विजिट करने के लिए आई है, और धरती में उसको क्या क्या काम करने हैं, और ये क्या काम करने के बाद इसको क्या फल मिलने वाले हैं, वो सारे चीजें उन्होंने A to Z जैसे फॉर्मूला आती है हमको, तो हम स्टार्टिंग से लेके जैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं ना, ऐसा हर सोल के बारे में लिख दिया उन्होंने. और सोल के बारे में एक चैप्टर नहीं, 7 chapters लिखा था इन्होंने. ओके, सो मैंने 10th class में ये निकलवाया था तो मुझे बोला तुम्हारे घर में नवरत्न भरे पड़े रहते हैं. हमने सोचा कि हम नॉर्मली डायमंड्स रूबीज वो तो हर इंसान खरीदते हैं, शायद मेरे मम्मी ने बोला तुम शादी होने के बाद तुम्हारा हस्बैंड के सारे पैसे शायद ज्वेलरी में बर्बाद कर दोगे, ये ऐसे हमने हंसी मजाक करके छोड़ दिया. इसके बाद मैंने जैसे जमवाल जी पढ़ा था, फिर घर में तो फिर यही है, सारे नवरत्न और रत्नी तो घर पे रहती है, तो तब समझ में आया था कि ऐसे ऐसे है. और वो बोला शिवा ने अपने अंदर से जैसे कलेजा को निकाल के इधर रखते हैं वही तुम हो, उसमें ऐसा लिखा है. तो हमने मीन्स मेरा आरुद्र नक्षत्र है, शिवा की नक्षत्र थर्ड आई की नक्षत्र है, तो मैंने सोचा कि शायद ऐसा वो बोलना चाहता है, मगर वो तमिल वाला ट्रांसलेट करने में पता नहीं है ऊट पटांग 2-4 rupees एक्स्ट्रा लेने के लिए ऐसे बोल लेते हैं ये लोग. तो वही है ना, जब हम किसी पंडित के पास जाएंगे तो अच्छे पैसे देंगे, तो पैसे दे रहा तो 2-4 baat ऊट पटांग बोल देंगे. तो इसने ऐसे ही बोल रहे शिवा की कलेजा को निकाल के साइड पे रखते जो है वो ही तुम हो. तो मैंने समझने से कई बातें कहा था, फिर वो अभी धीरे 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 वहां की एक एक लफ्ज अब समझ में आ रही है. ओके चलो, फिर हम अभी प्लेडियंस के बारे में बात करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आगे हैं. ऐसा फिर वो भी प्लेडियन थे, उनको वो सारे सोल की इंफॉर्मेशन की वजह इधर सबको अपने अपने कर्म को क्लीन करने के लिए फिर एक रास्ता बता के गया है. ओके, ऐसा नहीं है ओनली इंडियन स्पिरिचुअलिटी में नहीं है, फॉरेन कंट्री में भी ऐसा ही स्पिरिचुअलिटी बहुत है.
हमारे से भी वो लोग दूसरी टाइप की स्पिरिचुअलिटी बहुत यूज करते हैं ओके okay? और हम खाली भगवान को प्रेयर करते हैं और भगवान को पूजा पाठ करते हैं, वो लोग भगवान जो भी एनिमल्स को इस्तेमाल करते हैं उस एनिमल की स्पिरिट वर्ल्ड से भी कनेक्ट है ओके okay? उन लोगों से भी कई चीजें लेते हैं और एनिमल और हम हर भगवान के किस 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 टाइप का फूल चढ़ाते हैं और होम में किस टाइप का हवन के लिए पेड़ की लकड़ी चढ़ाते हैं उस मिनरल की उस वर्ल्ड से भी ट्रीज वर्ल्ड से भी कनेक्ट होके वहां से भी बहुत इंफॉर्मेशन लेते हैं वो लोग और मिनरल वर्ल्ड से क्रिस्टल वर्ल्ड से। हम खाली एक भगवान के नाम लेके उनके प्रसाद चढ़ा के नॉर्मल में तो वो छोड़ रहे हैं मगर उन लोगों ने बहुत सारे वैरायटी में करते हैं वो लोग ओके सो और ये शिवा के टेम्पल्स जो अद्भुत शक्तियों से जो स्वयंभू हैं वो सारे इंफॉर्मेशन भी प्लेडियन से आके ही ये शिवा के टेम्पल्स इस धरती पे आया है। एंड नेक्स्ट शिवजी की फर्स्ट शिवजी के बहुत सारे गण हैं। आपने गण 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 सुना है शिवजी की जो गण है वो क्या है? सबसे पहले भैरव जी, ये फर्स्ट प्रथम गण है। प्रथम गण शिवजी के भैरव जी हैं। काल भैरव है, भैरव है, ऐसी चीजें फर्स्ट गण में आते हैं। रुद्र शक्ति ये सारे। सेकंड गण में नंदी नंदी आती है ओके सांप है, नंदी है, ऊपर की चंद्रमा है, ये सारे सेकंड गण में आती है। थर्ड गण ये है कि भृंगी श्रृंगी ढमरुक। भृंगी श्रृंगी सुना कभी आपने? अब सर्च करो, आप भी थोड़ा बहुत काम करो शिवजी के लिए। भृंगी है, श्रृंगी है और ढमरुक है और जो साउंड्स प्ले करते हैं उसी को बोलते हैं हम ओके। और त्रिशूल है, ये सारे चीजें थर्ड में आते हैं ये। और ये चीज जो मैंने कभी क्लास बोलूंगी, हमारे अंदर 11 तरीका की नेगेटिव शक्तियां होती हैं, वो हमको रुलाती रहती है। इंसान जब रोता है ना दुख से, ये 11 चीजें, ये 11 चीजों के ऊपर हमला कौन करते हैं? एक कुमार स्वामी करते हैं और इन सारे गुणों की अधिपति है गणपति है ओके। सो ये नेगेटिव शक्ति कोई आपके ऊपर हमला करके आपको रुला रही है, जैसे लोअर डायमेंशन के जो आपने क्लास सुना था, ये लोग हमारे ऊपर हमला करके हमारा खाना ले रहे हैं, एनर्जी ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, ऐसे करके हमको जो रुला रहे हैं दुख करके, इन लोअर डायमेंशन वालों के ऊपर हमला करने की जो शक्ति है वो इन प्लेडियंस को दिया गया है शिव जी की आज्ञा से ओके। आपको कोई एलर्जी है, पाताल लोक से कनेक्टेड है, फिर वो दुख दर्द कर रही है, घुटनों में दर्द है, फिर आपको दुख दर्द करवा रही है, तो आप जो रो रहे हो, पैसा नहीं रुक रही है, फिर लोअर डायमेंशन की कोई लोग लेके जा रहे हैं, तो ये सारे दुख के ऊपर ये कौन आपके ऊपर हमला करके आपको लेके जा रहे हैं, ये सारे चीजों को आपके आपको प्रोटेक्ट करने के लिए ये प्लेडियंस शिव जी की गण है जो आपको प्रोटेक्ट करने वाले हैं ओके। सो ये लोग हमको क्यों पकड़ा है, लोअर डायमेंशन के लोग आपके क्यों पकड़ा है, वो कॉर्ड कटिंग क्लास में मैंने एक्सप्लेन किया है, वो क्लास देख लेना, वरना तो अभी हमारा क्लास फिर 4 घंटे की चली जाएगी ओके। वो लोग आपको हमारे ऊपर हमला क्यों कर रहा है। दूसरा, फिर ये लोग हमारे को कब हेल्प करेगा? फिर प्लेडियन दुकाने के हर एक किसी को हेल्प नहीं कर रहे, हमारे अंदर भी कोई क्वालिटी होना चाहिए तब आके प्लेडियन आके हमको हेल्प करेगा। वो क्वालिटीज क्या है? और किसी किसी को क्वालिटी तो है मगर वो अपनी तरीका को चेंज नहीं कर रहे। फीलिंग्स तो है, मीन्स ऐसा होने के वैसा होने के, मगर अपनी स्थिति परिस्थितियों से अपनी बुद्धि को चेंज नहीं कर रहे। सोच आने के बाद भी हाथ जो गलत काम करते हैं वह रोक नहीं रहे ओके। सो थोड़ा बहुत अभी आगे और डिस्कशन करेंगे। एंड ये डीएनए में फर्स्ट डीएनए मीन्स हम जब इंसान पैदा होता है तो फर्स्ट डीएनए एंड सेकंड डीएनए ओके, ये सारे एक्टिव रहते हैं, 2 डीएनए एक्टिव रहती है। तो फर्स्ट डीएनए में 12 लेयर एक्टिव रहने के लिए कंप्लीटली हर एक लेयर ओपन होके कंप्लीट ऊर्जा लेके मिनिमम एक इंसान अच्छा खाके पी के जो खाया वो डाइजेस्ट करके एक चमाचम जिंदगी जीने के लिए कोई हमारे ऊपर हमला नहीं करके अपने आप को एटलीस्ट हम प्रोटेक्ट करने जैसा, ये कौन, ये प्लेडियंस की
जेन्यू हमारे अंदर एक्टिव है तो हम अपने आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं एटलीस्ट शिवजी को या एटलीस्ट सन को या एटलीस्ट हम मेडिटेशन हो कुछ ना कुछ करके हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये भी एटलीस्ट ओपन नहीं है तो हॉस्पिटल में जाता तो डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं, किसी पंडित के पास जाता वाह कैसे बुरी वो है भाई कौन बचा है तुमको, कोई भी ग्रह अच्छी स्थिति में नहीं है, ऐसा कहीं भी जाता है सब मना कर देते हैं। जब ये फर्स्ट डीएनए भी जब वो 12 लेयर ओपन नहीं है तो ये ऐसा बंद रहती है ओके, वरना तो कहीं ना कहीं से हमको मदद मिल ही जाती है ओके। सो ये फर्स्ट डीएनए में 12 लेयर्स ओपन रहना चाहिए तो प्लेडेन की एनर्जी हमारे अंदर एक्टिव होना चाहिए। और ये प्लेडियंस ये समझ लीजिए कि प्लेडियंस हमको मदद करने के लिए कब आएगा, या तो हमारे अंदर प्लेडियन की जेन्यू एक्टिव है ये बात हमको कैसा पता चलेगा, ये सा है एक तो सेंसिटिव मीन्स जब प्लेडियन की एनर्जी हमारे अंदर एक्टिव रखना है तो हमारे अंदर हार्श बिहेवियर और सबके ऊपर चिल्लाना, चाहे आप हाथ से बांटते रहो खिलाते रहो खीर खिलाओ और दो गालियां पको तो नहीं चलेगा, आपकी स्वभाव सुनित होना चाहिए। और कोई कोई इंसान पूरी बर्बाद हो गई कहीं बैठ गए पूरे खत्म हो गए फिर भी वहां बैठे बैठे अरे यार ईश्वर है मैं हूं मुझे क्या टेंशन है यार यूनिवर्स देख लेगी बोल के एक तसल्ली के स्वभाव में होता है, अरे यार तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है फिर भी तुम्हारे अंदर टेंशन नहीं है क्या, तुम परेशान क्यों नहीं हो रहे, जो सुनने वाला परेशान होता है पर कई लोग परेशान नहीं होता है। और कई लोगों का आप देख सकते हो बहुत लविंग एनर्जी और उसके साथ बैठते हैं वो हंसते रहते हैं और अब उसको देख के ही हम हंसते रहते हैं, एक लविंग एनर्जी आते हैं। जैसे आप छोटे छोटे अच्छा क्यूट बेबीज को देखते हो और पेट्स को देखते हो और फ्लावर्स को देखते हो अपने आप जैसे खुश होते हो, कई कई लोग बिना कुछ भी देखे ही ऐसा ही खुशी में रहते हैं उसी एनर्जी में रहते हैं, उन लोगों के पास प्लेडियन की एनर्जी बहुत फास्ट वो लोग इंफॉर्मेशन रिसीव कर सकते हैं। और कई कई लोग भक्ति मार्ग में रहते हैं और हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे ही भक्ति में ही जैसे टोलते रहते हैं तो उनके पास भी प्लेडियन की एनर्जी सच आते हैं। और कोई भी बिना कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करके किसी को भी हम मदद करने के लिए उठ जाते हैं और मदद करने के लिए फिर हमारा पॉकेट में 10 रुपए है अब हमने पूरा दे दिया तो शाम को हमको खाने की नहीं है फिर भी मालूम चल के हम कोई इंसान परेशान में हम उठ के खड़े हो गया तो जरूर उस टाइम पे हमारे दिल में जो एनर्जी आती है या फीलिंग आती है उससे ऐसा नहीं है अब प्लेडियन की एनर्जी नहीं आ रही है, अभी हर इंसान के पास प्लेडियन की एनर्जी आ रही है, आपके अंदर वो एनर्जी को अंदर लेने की एक फीलिंग नहीं है, वो फीलिंग पे नहीं है इसकी वजह वो सेल्स ओपन नहीं हो रहे हैं ये एनर्जी आपके अंदर लेने की, समझ गए। ऐसा नहीं प्लेडियन एनर्जी आना चाहिए तो हम कोई नंबर जैसे रेडियो मिर्ची आना है तो 92.7 93.4 ऐसा कुछ ट्यून करना नहीं है, ऐसा वो मशीन कहीं भी नहीं है, हम ही वो मशीन है, हमारे अंदर से प्यार का स्वभाव उबाल के जैसे बहुत फील करके जब आती है वो प्लेडियन की एनर्जी का अंदर लेने के लिए ये सेल्स ओपन होते हैं। ओके, दिस इज द मेन पॉइंट। एंड ये लोग बहुत इमोशनल होते हैं मगर इंटेलिजेंट होते हैं, आप देखते हैं ना जैसे हीरोज को कोई गलत काम हो रही है वहां बहुत फाइट करते हैं वो लोग, इमोशनल होके बहुत फाइट करते हैं, उनकी कोई भी रिलेटेड नहीं है मगर किसी और के साथ कोई भी गलत काम हो रही है उसके लिए बहुत फाइट करते हैं, उन लोगों को फाइट करने की ताकत और एनर्जी और इंटेलिजेंसी ये तीनों चीज मिलती है धरती के ऊपर, चाहे उन लोगों की मीन्स उनके साथ ही होने की जरूरत है, किसी को भी मदद करने के लिए सबसे पहले उठने वाले प्लेडियन है, एटलीस्ट वो ऐसा नहीं है फिजिकली वो एक इंसान जाएगा, एटलीस्ट वो नहीं जा पाया किसी को भी फोन करके मेरा पर्सन वहां है उसको मदद करो या कोई ऐसा किसी को भी कुछ और एटलीस्ट रास्ता दिखा दो, जो फॉर्म है ऐसा नहीं ये एक ही फॉर्म है, ऐसा नहीं पैसा ही देना है फिर किसी को परेशान है फिर कहीं और जाओ कहीं और जाओ ऐसा करके वैसा करके, कोई तकलीफ से हमारे पास आते हैं
तो उन लोगों को मना नहीं करके जो एक फॉर्म में इनसे हो सकता है वो हर फॉर्म में फिर उनको जो भी मदद करने वाले के अंदर जरूर प्लेडियन की एनर्जी एंटर होती है और प्लेडियंस इनको इंफॉर्मेशन देते हैं। एक मिनट हम कोई परेशान होकर हमको फोन किया, एक मिनट भी हम अरे यार मैं इसको कैसे सही करूं, मेरे पास क्या है इसको सही करने के लिए, मैं कैसे इसको सही कर सकती हूँ, ये बात आपने बैठ के सोच लिया, आपके अंदर प्लेडियन की एनर्जी एंट्री होती है और आपके पास जरूर आइडिया होते हैं। जहां मन है वहां मार्ग है। सब लोग बोलते ना आपकी आपको कैसे समझ में आती है हमारा और आप कैसे चेक करते हो, आप सोचो तो सही, सामने वाले को मुझे मदद करना है। और दूसरा बात, मदद करने के बाद ये मेरी वजह ही आज अच्छा जी रहा है, ये मेरे वजह ही ये ऐसा हो रहा है, ये बात कभी ये आपके ख्यालों में भी सपने में भी ये बात नहीं आना चाहिए। आप खाली ट्रांसफॉर्मर हो, ओके? अब खंबा ने सोच लिया मेरे वजह इसके घर पे लाइट आ रही है, ऐसा नहीं है ना, खंबा सोच नहीं सकती ना कि मेरे वजह इसके अंदर घर के अंदर लाइट आ रही है ना। ये सारे लोग रात को इसीलिए सोया कि मेरे थ्रू ही ये लाइट गई, ये बिजली आई इसके घर में, ये आज खाना खाया मेरी वजह है तो मैंने मिक्सी चलाया मेरे वजह। खंबा नहीं सोच सकते, करंट सोच ले तो फिर भी अलग बात है, खंबा नहीं सोच सकती ना, करंट तो ऊपर वो है, हम खाली खंबे हैं, ओके? तो खंबा नहीं सोच सकती है, ओके? आप भी करंट बन सकते हो, मगर जब खंबे जैसे खड़े हो गए तो अब आपकी पूरा काम सही कर लीजिए, फिर आप इलेक्ट्रिसिटी के साथ मिंगल होने की टाइम आएगी, ओके? इसके बाद नेक्स्ट, इन लोगों किसी भी इंसान हो, व्यक्ति हो, जानवर है, और सबसे पहले मेन वाटर एनिमल्स, जो जलचर मींस वाटर के अंदर रहने के कोई भी एनिमल्स हैं, किसी के साथ भी इनको इन लोगों को कोई नुकसान हो रही है, फिर उसके लिए फाइट करते हैं, जैसे रेड क्रॉस है, ब्लू क्रॉस है, फिर कई लोग फिर हम वो करते हैं ना शाकाहार रैली, अब पत्री सर की बेटी ने भी फिर गो ग्रीन स्टार्ट किया है, फिर इनकी माइंड में ये प्लेडियन की एनर्जी जब आते हैं, इंसान को ये कार्यक्रम कैसे करना है और इसको कैसे सफल करना है और लोगों को कैसे इकट्ठा करना है और पेड़ पौधों को मदर अर्थ के लिए क्या क्या करना है, वो अपने आप इंफॉर्मेशन आएगा, ये कोई भी सिखाने की जरूरत नहीं और कहीं भी इंटरनेट में गूगल करने की भी जरूरत नहीं है, ओके? आप किसी को भी मदद करना स्टार्ट करते हो, किसी को भी अच्छा इसके साथ अच्छा होना चाहिए, इसको लिए मैं क्या कर सकती हूँ ये सोचना स्टार्ट करोगे, फिर अपने आप आपको प्लेडियन की एनर्जी धरती पे आके, बिकॉज प्लेडियंस की क्या काम है, इस ग्रुप का क्या काम है, ओनली धरती के ऊपर किस किस को मदद चाहिए, किस किस को किस किस के साथ बुरा हो रही है, और वो कर्म तो लिख के आया है मगर उसको स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना है, इसकी वजह ये कर्म उनको आगे जाने नहीं दे रही है, फिर वो कर्म को कटने की एक रास्ता चाहिए, ओके? फिर उन लोगों को रास्ता बताने की काम है प्लेडियन से, फिर वो प्लेडियन ऐसे नहीं है ना जादू, उसमें जादू जैसे नीचे आ गया वैसे नीचे आ जाएगा, फिर किसी जो दिल अच्छा वाला इंसान के अंदर फिर उसका इंफॉर्मेशन आएगा, फिर ये उसको मदद करना शुरू करेगा, ओके? आगे नहीं समझ में? अब मैं इतने साल तेलुगु में थी, सडनली मैं हिंदी में जंप हो गया, तो जिसको वो काम चाहिए वो अपने आप हो रही है, तो पीएमसी तेलुगु में था, फिर अभी उन लोगों से फिर ये हिंदी में स्टार्ट हुआ, अभी गुजरात में स्टार्ट हुआ, ऐसा फिर जिसके माध्यम के थ्रू वो प्लेडियन की एनर्जी है फिर वो स्टार्ट होती है, ओके? वो एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है, एंड ये लोग इमोशनल है, इंटेलिजेंट है, एंड इंट्यूशन है, और ये लोग दिमाग से कभी नहीं सोचते हैं, ये लोग दिल से सोचते हैं। अभी मैं नॉर्मल सोचूं अरे यार इस टाइम पे ना मैं वो नहीं करके ये करूंगी तो 5 रुपए कमा लूंगी और मेरे ये फायदा होगा, अब मैं इसके लिए ये क्यों करूं, अब मैं इसको मना ही कर दूं, इसकी मदद के लिए मैं मना ही कर दूं, बस हो गए काम खराब हो गए ना। अब ये फिजिकली काम खराब हो गए समझ रहे हैं, मगर ये एस्ट्रली कितना अपने आप को खराब कर रहे हैं इसको समझ ही नहीं है, इसको समझ ही नहीं है, ओके? सो जब आप कोई काम आपके पास आया, इसका मतलब इतनी बड़े दुनिया में आपके पास ही वो काम आया का मतलब आप
आपसे वो काम हो सकती है और आपके पास वो ऑलरेडी इंफॉर्मेशन दिया गया है और आप हाँ मैं कैसे करूं, जब आप बैठ के सोचोगे तो आपके थ्रू वो काम होने की 100% रास्ता है, तो भी वो काम आपके पास आई है। तो एक मिनट तो टाइम देके तो सोचो तो सारी, और जो आपके पास सोर्सेस ऑफ एनर्जी है उनको मदद मांग लीजिए, मैं इसको कैसा भला कर सकती हूँ, तो आपके पास एनर्जी आना स्टार्ट होगी। जब आपके पास एनर्जी आना स्टार्ट होगी तब क्या होता है, 20% आपके लिए यूज होता है और बाकी 80% सामने वाले को जो आप मदद करते उसके जाएगी। फिर वो एनर्जी जो आपने इनवाइट किया है और जो एनर्जी आई है उस प्रॉब्लम को, किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी को घर में प्रॉब्लम है, किसी को बच्चों से प्रॉब्लम है, किसी बच्चों की पढ़ाई की प्रॉब्लम है, फिर आप उस टाइप की एनर्जी को बुला रही हो। आपके अंदर जो पास्ट लाइफ की जो कार्मिक प्रॉब्लम ब्लॉक है फिर उसको क्लीन करने के लिए वो एनर्जी यूज होती है और बाकी आप आगे ट्रांसफर कर रहे हो। जो ट्रांसफर कर रही हो वो आगे जन्म के लिए आपके पुण्य कर्म में ऐड होती है। जो आके आपके पास 20% वो रुकी है वो आपकी पास्ट की जो ब्लॉक है उसको क्लियर करने के लिए यूज होती है। ओके, आपका काम भी बन गए, नाम भी आ गए, मगर ये कहीं भी पेपर में छपा के दिखाने के लिए नहीं बनती है, नहीं होती है, मगर ये कार्मिक बुक में ऐड होती रहती है। ओके, आपको क्या चाहिए, फिजिकली 10 मिनट 100 रुपए कमाने की काम चाहिए या सोल को लाइफ लॉन्ग, वो लाइफ लॉन्ग भी नहीं बोल सकते, आत्म लॉन्ग, आपको वो ऐसे ही वो रखने की और ये प्लेडियंस ये सब लोग आपको हेल्प करने के लिए आना इम्पोर्टेंट है। ओके, सो डिसीजन इज योर्स, मैं आपको कल रास्ता बता सकती हूँ, डिसीजन आपकी है। एंड नेक्स्ट, ये अपना ट्रू सेल्फ में जीना चाहते हैं, मीन्स ये लोग जैसे 1 लाख रुपए सैलरी है, चलो भाई अपन काम कर लेंगे, ज्वाइन तो हो गया, मगर दिल का खुशी नहीं है। और ये लोग जो चाहते हैं जैसे लोगों के साथ वो काम करना, ये काम करना, ऐसे पेड़ पौधे लगाना, संडे को जाना, जैसे क्लीनिंग प्रोसेस करना और किसी को कुछ मदद करना, वो कुछ भी नहीं कर पा रहे, सुबह ऑफिस जा रहा है शाम को घर आ रहा है, सुबह ऑफिस जा रहा है शाम को घर आ रहा है, तो ये लोग बोर हो जाते हैं, ये लोग बोर हो जाते हैं। तो मुझे ये ऐसा मैं जीना नहीं चाहती हूँ, ऐसा मुझे जीना नहीं है, मुझे कुछ और लेवल पे जीना है। ये पैसा जरूरी है मगर नहीं चाहिए। कई लोग अपनी शौक पूरी करने के लिए, ऐसा कुछ इच्छा पूरी करने के लिए 2-2 लाख रुपए 1-1 लाख रुपए कभी सैलरी छोड़ के, अभी मैंने आपको लास्ट टाइम मूलाधार चक्रा के लिए जो मैंने गुड़ बताया था और कई बढ़िया प्रोडक्ट्स बताए थे, ही इज अ प्रोफेशनल डिजाइनर ऑफ पोच पैक्स, जो बड़ा बड़ा कंपनीज पेप्सी वगैरह होते हैं उनकी पोच पैक्स डिजाइन करते हैं और वो दुबई में और सऊदी अरब में इधर उधर ट्रैवल करते हैं, वो बड़ा कंपनीज में एडवर्टाइजमेंट में हफ्ते की 1.5 लाख सैलरी है, हफ्ता की, मींस हफ्ते मतलब मंडे टू ओनली फ्राइडे, सैटरडे संडे अगेन छुट्टी है, फिर उसको दिल अच्छा नहीं लगा, सारे काम छोड़ दिया और ये नेचुरल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए एसी में से अंदर डीसी में आके वो गर्मी में और गायों के साथ काम करके वो प्रोडक्ट्स बनाया। उन्होंने बोला चाय में बर्बाद हो गई मगर प्रोडक्ट को बर्बाद करने नहीं दिया। ये सब बहुत सारे लोग हैं, कई लोग सॉफ्टवेयर छोड़ के आके एग्रीकल्चर कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो ये प्लेडियन की एनर्जी है, उनको पैसे से मतलब नहीं है, वो मिट्टी की खुशबू इनको एनर्जी देगी। ओके, जो 10 रुपए है ये उनको ज्यादा वो देती है, खेत में नीचे सो गया वो खुशी देती है, ऐसी उसको खुशी नहीं देती है। ओके, फिर ये धरती के लिए और लोगों को भला करने के लिए कई चीजें अपनी ऐशो आराम बर्बाद करने के भी तैयार है, अपने आप को खराब करने के भी तैयार होता है ये, क्योंकि ये इंसान अपने आप को मैं अपना हूं नहीं सोच रहे हैं, उनके ऊपर धरती में बहुत सारे चीजें अच्छा करने के लिए वो प्लेडियन की एनर्जी एंड इंफॉर्मेशन काम कर रहे हैं। देखने वाले को ये पागल जैसे लगता है और उनको खुद को पता है वो कौन है। ओके, एंड आपके अंदर मीन्स आपके एंसेस्टर्स ने कई चीजें कर लिया, फिर आपके अंदर प्लेडियन की जेन्यू तो है, मगर आपने इधर दुनिया की माय पे आके फिर उसको एक्टिव नहीं होने दे रही हो, मीन्स मैं ये काम करूं मुझे 100 रुपए आ जाएगा, अब यार इसको सच क्यों बोलना है, इसको चीटिंग कर दे, वो कर दे, ये कर दे, ऐसा हमने कर लिया तो वो क्या होता है, इंसान को स्पिरिचुअल थॉट्स आते हैं, स्पिरिचुअल थॉट्स आते हैं, मगर फिजिकली उन लोगों को एंग्जाइटी, डिप्रेशन, क्या बोलते हैं, पाल्पिटेशन,
ऐसी चीजें होती रहती हैं। ओके तो ये लोग ना अपना ऑफिस का काम कर सकते हैं, चलो यार मैं तो पूरा कमर्शियल हूँ, मुझे कोई स्पिरिचुअलिटी से मतलब नहीं है, तो जाके ऑफिस में अपना काम नहीं कर सकता। या तो वो खराब जो चीज है इनके अंदर, जो खराब सोच है, उसको छोड़ के ना स्पिरिचुअलिटी में आ नहीं सकता। ये जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं होती है, इंसान दोनों की बातों के बीच में रह के बहुत परेशान होता रहता है। ऑफिस भी इंपॉर्टेंट है, ऑफिस जाता है मगर ऑफिस में दिल नहीं लगता, मेडिटेशन करने के दिल चाहता है, घर आएगा मगर घर पे क्या होता है, फोन देखना और टीवी देखने में लग जाते हैं, फिर कल सुबह जरूर करूंगा सोचता है, फिर ऑफिस जाएगा, फिर ऑफिस में मन नहीं लगता, घर आके मन नहीं लगता, ऐसा फिर इधर उधर वो भटका हुआ आत्मा भटका हुआ रहती है। फिर इनको अंदर स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जरूरत है। ये लोग प्लेडियंस को जो प्रेयर करते हैं, फिर हम मेडिटेशन में इनकी एनर्जी को बुलाते हैं, तब इसके अंदर एक स्टेबिलिटी और ये स्टेबलनेस आएगी। फिर उस एनर्जी इनको सफिशिएंट जब होती है ऊपर से, बिकॉज सोल को इतनी ताकत है ही नहीं, ताकत सफिशिएंट नहीं हो रहा है, मगर थॉट्स तो आ रही है। इसके बीच में जो ये कई लोग है, मैडम मैं सुबह 5 बजे उठ के मेडिटेशन करना चाहती हूँ, मैडम मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ के मेडिटेशन करना चाहती हूँ, मैडम मैं रात को सोते जरूर मेडिटेशन करना चाहती हूँ, मगर बिस्तर को देखकर नींद आती है, सुबह अलार्म बजती है, 3 अलार्म लगा रखा मगर छोड़ देती हूँ, मैडम मैं झूठ बहुत बोलती हूँ, मैडम मैं सोचती हूँ मैं नहीं बोलू मगर पता नहीं कैसे आ जाते उस टाइम पे मैं झूठ बोल देती हूँ, मैडम मैडम मैं सब मैं तैयार हो जाती हूँ पिरामिड जाने की, मगर तैयार होके बीच में ना एक दिन फिल्म देख के नहीं चले गए, एक दिन है ना शॉपिंग में चले गए, एक दिन है ना पानी पूरी खा के वापस आ गए, वो पिरामिड तक पहुंची नहीं है मैडम मैं, ऐसे लोग फोन करते हैं बिकॉज थॉट्स तो आ रही है मगर उसकी एनर्जी क्या वहां तक पहुंचने नहीं दे रहा है। इस टाइम पे हमको प्लेडियंस बहुत हेल्प करते हैं हमारा स्पिरिचुअल टारगेट को हम कंप्लीट करने के लिए, ये प्लेडियन एनर्जी यूज होती है किसी को भी। तो हमको क्या करना है मेडिटेशन में, ये प्लेडियंस को बुला के ये मेडिटेशन करना चाहिए, और 1-2 घंटे कुछ ना कुछ फ्रूट्स है, फ्लावर्स है, छोटे बच्चे हैं, ऐसा किसी ना किसी की तरफ देख के बहुत प्यार से, और पेट एनिमल्स के साथ या पेड़ पौधों के साथ हम थोड़ी देर टाइम स्पेंड करते हैं, ब्यूटीफुल फ्लावर्स के साथ, तो ये अनाहत चक्र, दे आर रिलेटेड टू अनाहत चक्र। ओके सो ये अनाहत चक्र ओपन होती है और तब इन लोगों के अंदर ये एनर्जी ओपन होती है, और या तो हम संकल्प करके इन्हीं को एनर्जी को बुला के हमारे अंदर लेते हैं। इसको एक्चुअली नॉर्मल लोग सहस्रार चक्र से इनकी एनर्जी लेते हैं, मगर इनकी एनर्जी को हम सेल्स के अंदर से, एक ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर होती है प्लेडियंस की, वो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर को हमारे अंदर चेंज करके फिर डीएनए की वो स्ट्रक्चर होती है, जैसे वो स्ट्रक्चर को चेंज करके तब हम ये मेडिटेशन करते हैं, तो कंप्लीटली हमारा बॉडी के अंदर 30 ट्रिलियन सेल्स है, ये एनर्जी को एक ही बार हम अंदर ले गए, ये डीएनए को हम कंप्लीट एक्टिव कर सकते हैं। ये मैं आपको डीएनए के वर्कशॉप में सिखाऊंगी इसको कैसा इसकी ज्योमेट्रिकल एनर्जी को, ज्योमेट्रिकल शेप को हमारे अंदर ये टर्न करना चाहिए। ओके दिस इज अ टेक्निक के थ्रू हम करते हैं। एंड नेक्स्ट और इनके अंदर कई लोग आपको बताते हैं ना हर बात के उपाय बताते हैं, मीन्स जैसे कोई बोलते पेट में दर्द है तो ऐसा करो, वो बोलते मेरा वाइफ मेरा बात नहीं सुन रहा है ऐसा ऐसा करो, वो बोलता है यार बच्चे बहुत रोते हैं ऐसा करो, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे तो ऐसा करो, हर बात के उपाय बताते हैं कई लोग भी। अभी हमारा इंटरनेट में अभी आजकल बहुत लोग है खाली उपाय की माता जी है, उपाय की गुरु जी है, है ना, उपाय की माता जी, उपाय के गुरु जी, पेंसिल को शार्प करके रखो, पेंसिल को है ना नीडल इधर मत रखो, ताला के ना चाबी बंद करके रखो और वो बंद चाबी इधर करके रखो, ऐसा बहुत सारे है, जो लाल कलर की चेयर में बैठो, कल मैंने किसी का सुना था चावल पोटली में रख के जिसका शादी नहीं आ रहा उसका सिर पे मारो, वो बोल रहे हैं तो मेरा वाइफ को छोड़ना चाहता हूँ मैं तो मैं भी मार सकता हूँ क्या, ऐसा जो उपाय है, तो उपाय की माता जी उपाय के गुरु जी जो है वो उपाय, ये प्लेडियंस की एनर्जी जब इनसे कनेक्टेड है, जो सच में ये प्लेडियन की एनर्जी जिससे कनेक्टेड है वो बढ़िया बढ़िया उपाय बताते हैं। हमारा दिव्या यात्रा की ओर में भी एक मैडम आते हैं तो हर दर्द के एक उपाय बताते हैं, वो उनके उपाय बहुत लोगों को बहुत काम करती है। वैसा वो अब आप ये फोटो देख रहे ना, उन मैडम की भी फेस देख रहे ना, वो ऐसे ही आंखें छोटे और ये ऐसी ये पलके ऐसी लंबी होगी, ऐसे ही फेस है प्लेडियन की फेस है, तो ये फेस भी मैच होते हैं और इन लोगों के काम भी ऐसे ही मैच होती है। ओके
ऐसा वो उपाय बता के सामने वाले की तकलीफ को बहुत लंबा नहीं खींच के शॉर्ट में इनको सही करते हैं. ओके सो ये प्लेडियंस बहुत बढ़िया उपाय बताते हैं. एंड ये जो क्रिस्टल हीलिंग करते हैं और सुजो को और अक्यूपंचर अक्यूप्रेशर और कलर थेरेपी और हीलिंग एंड मीन्स दवा नहीं लेके दूसरा कुछ और मॉड्यूल से मोडालिटी से जो भी इंसान की तकलीफ को दूर करवाते हैं, जैसे किचन की कोई उपाय बताते हैं और कोई ऐसी चीजों से जो भी अपनी दवा ऑपरेशन और मेडिसिन छोड़ के दूसरी मोडालिटी से किसी का भी इंसान की हम दिल का दुख का तकलीफ और साइकोलॉजिकल तकलीफ और फिजिकल बॉडी का तकलीफ हम दूर करने की कोई भी हम काम कर रहे हैं, हमको जो एनर्जी देने वाले हैं यही प्लेडियंस है. ओके सो किसी को भी हीलर बनना है तो सबसे पहले अब प्लेडियंस के कनेक्ट होके और प्लेडियंस से इंफॉर्मेशन लेके आइए. और जो भी डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर बनते हैं मगर वो डॉक्टर अपनी डॉक्टरी में सक्सेस होके एक नया तरीका की कुछ टेक्निक के थ्रू वो दुनिया को एक नई टेक्निक देना है. हीलर भी नॉर्मल हील करना छोड़ के एक नई तरीका की टेक्निक की मोडालिटी को पूरी दुनिया को देना है. जैसे सुजो को वो रेकी हीलिंग वाले हैं, इन्होंने इतनी टेक्निक्स सब लोगों को दे दिया है तो इनका भी फेस देख लीजिए. ओके तो ऐसे ही लोग जो नॉर्मल जो चल रहे हैं वैसा नहीं होके एक नया टेक्निक को इन्वेंट करके वो लाखों लोगों को देते हैं. फिर उन लोगों को प्लेडियंस की कंप्लीट क्लस्टर मीन्स 84 प्लेडियंस की एक ग्रुप को एक क्लस्टर बोलते हैं हम. I'll show you one. मैं भी चुप नहीं रहती हूँ, कुछ ना कुछ करती रहती हूँ. मेरे हस्बैंड बोलते हैं मैं जिलेबी जैसी बहुत सीधी हूँ और फेनी जैसी बहुत सीधी हूँ. उनको अनुभव हो मैम आप ये जो क्रिस्टल अभी आप देख रहे हो इसके अंदर बहुत सारे क्लस्टर बोलते हैं इसको, इसके अंदर बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस को कनेक्टेड हैं, और ये इनका शेप ऐसी है एक फूल की गुच्छा जैसे एक बंच जैसी होती है ऐसा, और एक एक पेंसिल एक एक डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन से कनेक्टेड होती है, डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन से कनेक्टेड होती है. तो ये फ्लावर के गुच्छे दिस इज कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन क्रिस्टल, इसका नाम ही इंफॉर्मेशन क्रिस्टल है. तो ये क्रिस्टल को भी ऐसा हम जो 84 प्लेडियंस एक क्लस्टर जैसे फॉर्म होता है तो इनको हम इनकी एनर्जीज को हम क्लस्टर ऑफ प्लेडियंस बोलते हैं. और सेवन स्टार्स शो नहीं हो रही है. ओके
मंजू जी आप अनम्यूट में रखिए। जी ओके यू कैन सी नाउ। ओके यू कैन सी नाउ 3 stars, 6 stars, 8 stars जैसे आते हैं इस प्लेडियंस में भी, जो भी हायर पोजीशन में पहुंचते हैं वो स्टार प्लेडियन होते हैं। फिर हमको नॉर्मल प्लेडियन से जो इंफॉर्मेशन आता है वो छोटा कम इंफॉर्मेशन रहते हैं, जो स्टार प्लेडियन से आते हैं वो हायर इंफॉर्मेशन आते हैं। और स्टार प्लेडियंस में भी स्टार प्लेडियंस के जो क्लस्टर है और ग्रुप्स है उनसे आते हैं, तो हम एक बात पे कंप्लीट किसी भी कोने में कोई भी सवाल कर लीजिए, सारे इंफॉर्मेशन हमारे अंदर कोड्स रहते हैं। ओके ये सारे कोड, कोई लॉयर है वो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा हुआ है, तो कोई भी कुछ भी सवाल करते हैं वो फलाना नंबर पे फलाना इस पे ये रूल है ये जैसे बताते हैं, कोई भगवत गीता के सारे चैप्टर्स पढ़ा है तो हर कोई भी चैप्टर खड़े खड़े उठा के उसको सिचुएशन के हिसाब से कैसे बता सकते हैं, वैसा हम ये प्लेडियन की स्टार प्लेडियंस की क्लस्टरों से हम एनर्जी लेते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते हैं, तो कंप्लीट हम हमारे पास ये टेक्नोलॉजी और ये इन्फॉर्मेशन आ जाती है, कहीं से भी कोई भी सवाल करते हैं उसको जवाब दे पाते हैं। ओके और इस पे आपको मैं ये बता रही हूँ कि ये क्रोमोसोम से 4 types of chromosomes हमारे पेरेंट्स से हमको जो आते हैं, ये 4 तरीका की क्रोमोसोम्स होते हैं। इसमें फर्स्ट क्रोमोसोम है मेटासेंट्रिक, ओके इसके बाद दूसरा है सब मेटासेंट्रिक, इसके बाद आक्रोसेंट्रिक, इसके बाद टेलीसेंट्रिक। ओके तो ये प्लेडियन की एनर्जी हमारे अंदर एक्टिव होना है, तो सबसे मेन है सब मेटासेंट्रिक, ये एक्टिव होना चाहिए। ओके इसके बाद 50% एटलीस्ट 50% आक्रोसेंट्रिक एक्टिव है और टेलीसेंट्रिक 50% एक्टिव है, तो भी हम प्लेडियन की इंफॉर्मेशन और एनर्जी ले पाते हैं। ओके एंड और एक क्रिस्टल है मरियम, ये मरियम क्रिस्टल इतना इंपॉर्टेंट है, जो आपके अंदर लविंग एनर्जी आने के लिए हमको ओनाकाइट UNAKIT ओनाकाइट क्रिस्टल इंपॉर्टेंट है। आपके अंदर लविंग एनर्जी बढ़ना है, ओके एक एनर्जी जो आपको लविंग एनर्जी बढ़ना है, सो उसके लिए हमको दिख नहीं रहा मैम, उसके लिए हमको मरियम क्रिस्टल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके अंदर एक लविंग एनर्जी बढ़ के आपको किसी के ऊपर जैसे दुख तकलीफ मुसीबत वो कोई उसमें है तो आपको उस चीज से बाहर लेके आना चाहते हैं उन लोगों को, तो आपको वो मरियम क्रिस्टल वेरी इंपॉर्टेंट है। Something problem to my video? No problem. So let's start our meditation to connect it with the Pleiadians. Okay. Close your eyes. First, relax. Close your eyes. Cross your legs and cross your fingers. हम सारे डिवाइन पाथ के अंदर हैं,
भी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। फर्स्ट लेवल ऑफ लेमुरियंस, प्लेडियंस की एनर्जी को हम आह्वान करते हैं। हमारा एंसेस्टर्स एनर्जीज जो भी प्लेडियन वर्ल्ड में है उनकी ब्लेसिंग्स के थ्रू वहां की टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशंस हमारे डीएनए की फर्स्ट लेवल पे ट्रांसफॉर्म हुए एंड फ्रॉम द स्टार प्लेडियंस एंड क्लस्टर्स एंड ग्रुप ऑफ स्टार प्लेडियंस हम इंफॉर्मेशंस ले रहे हैं। आप सब प्लेडियंस की एनर्जी को फील कर पा रहे हो। The bluish light is touching you. We are all now connected with Pleiadians. Each and every cell is connected with the Pleiadians. प्लेडियंस की एनर्जीज को सेल्स के थ्रू इंफॉर्मेशंस ले रहे हैं। बहुत सारे छोटे छोटे ब्लू कलर की स्टार लाइट्स हमारे अंदर एनर्जीज देने के लिए आ रहे हैं। हायर वर्ल्ड की टेक्नोलॉजीज 84th डायमेंशन तक हर डायमेंशन की इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजीज हम ले रहे हैं। एक्सेप्ट ऑल द इंफॉर्मेशन
बहुत सारे इंफॉर्मेशन हम ले रहे हैं हमारा एंसेस्टर्स ने जो भी इंफॉर्मेशन डीएनए के अंदर हमारे लिए विक्षिप्त करके रखे हैं वो सारे इंफॉर्मेशन अभी इस एनर्जी के थ्रू अवेकन हो रहे हैं पूरी लाइफ टाइम में आपके एंसेस्टर्स ने जो भी इंफॉर्मेशन आपके लिए निक्षिप्त कर रखे हैं हर एक लेयर के अंदर एवरी इंफॉर्मेशन अभी अवेकन होके आपको इस जन्म में आपकी इस स्पिरिचुअल जर्नी में आपको यूज होना है स्टार प्लेडियंस की एनर्जीज आप कंप्लीट आपके डीएनए की फर्स्ट लेयर के अंदर फर्स्ट स्टैंड के अंदर फर्स्ट लेयर में ले रहे हो डीएनए के अंदर प्रोटीन एवरी मॉलिक्यूल के अंदर एनर्जी फ्लो हो रही है आपकी फर्स्ट स्टैंड ऑफ डीएनए पे एनर्जी फ्लो हो रहे हैं इमेजिन कीजिए लव एनर्जीज प्लेडियन एनर्जीज स्टार सीड एनर्जीज ऊनाकाइट क्रिस्टल एनर्जीज मरियम क्रिस्टल एनर्जीज लेमुरियन एनर्जीज आपके एंसेस्टर्स ने एक पूरा लाइफ टाइम में जितने भी नॉलेज गेन किया है उस सारे इंफॉर्मेशन एंड एनर्जीज आपकी डीएनए की फर्स्ट स्टैंड में फर्स्ट लेयर में एनर्जीज ट्रांसफॉर्म होके लेयर कंप्लीट ओपन होके अवेकन स्टेट पे आ रहे हैं एक हद अद्भुत एक मैजिक आपकी लाइफ में होने के लिए ए मिरेकल इज गोइंग टू स्टार्ट ये फर्स्ट सीड है आप अपने आप को खुश रखने के लिए और आपके हर प्रॉब्लम को अपने आप सॉल्व करने के लिए एक रास्ता आपको मिल रहे हैं
सारे कार्मिक प्रॉब्लम्स को, नॉन अंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करने के लिए एक मैजिकल एनर्जीज आपकी डीएनए में एंटर हो रही है। सेकेंड लेयर ऑफ फर्स्ट स्टैंड में, सेकेंड लेयर ऑफ डीएनए पे एनर्जी फ्लो हो रही है। कंप्लीट इमेजिन कीजिए डीएनए के अंदर फर्स्ट स्टैंड में सेकेंड लेयर कंप्लीट अवेकनिंग स्टेट में है, थर्ड स्टैंड के अंदर एनर्जीज ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, एनर्जीज आपके फोर्थ स्टैंड पे ट्रांसफॉर्म हो रही हैं। आपके फिफ्थ स्टैंड में एनर्जीज ट्रांसफॉर्म हो रही हैं। डीएनए के अंदर 89 सिटोसिन गुआनाइन थायमाइन दिस फोर टाइप्स ऑफ केमिकल्स कंप्लीट नॉर्मल एक्टिवेशन में हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ प्लेडियंस एंड कॉस्मिक एनर्जी एंड स्पिरिचुअल एनर्जी एंड डिवाइन एनर्जी। डीएनए रिपेयर हो रही है, एनर्जीज बैलेंस हो रही है, केमिकल्स के थ्रू डीएनए वापस रिपेयर हो रही है।
the fluids of amino acids, 20 types of amino acids, perfect flow start ho gayi hai. DNA, RNA, protein. हर चीज अवेकनिंग स्टेट में है. नेक्स्ट से जो भी डीएनए रेप्लिका होती है, ट्रांसक्रिप्शन होती है, वो पास्ट कर्मा की नहीं होती है. जो भी एनर्जी से हमने डीएनए को रिपेयर किया है, न्यू ट्रांसक्रिप्शन से होना है. Every cell and molecule, ATGC, is repaired. First stand में ये सारे thought forms के through, Pleiadians की energies के through, sixth layer पे energies transform हो रहे हैं. All your junk DNA, spiritual DNA, awaken होने के लिए energies transform हो रहे हैं. एक एक मॉलिक्यूल पे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पे स्टार सीड्स की सजेशंस जा रहे हैं. एक एक मॉलिक्यूल में कम से कम 150 मिलियन बेसिक पेयर्स ऑफ डीएनए है. ईच एंड एवरी सेल के अंदर प्लेडियंस की इंफॉर्मेशंस जा रही हैं. आप इस धरती पे इतना बड़ा कार्य करना है तो लाखों प्लेडियंस की एनर्जीज, आपके करोड़ों सेल्स के अंदर एनर्जीज ट्रांसफॉर्म कर रहे हो. Every minute, every second, हर एक मॉलिक्यूल में अपने आप प्लेडियन की एनर्जीज कंटिन्यू जाना चाहिए. अपने डीएनए को ऐसा ही सेट कर रखे हो. आपकी सेवेंथ लेयर पे एनर्जीज ट्रांसफॉर्म हो रही हैं. All the informations and energies आपकी सेवेंथ लेयर से एट्थ लेयर के अंदर ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं.
एट लेयर से नाइन्थ लेयर पे एनर्जीज ट्रांसफॉर्म हो रही हैं। सारे प्राण कोटि की लव एनर्जी प्लेडियंस की टेक्नोलॉजीज स्टार सीड्स इंफॉर्मेशन एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स एंड इंफॉर्मेशंस लक एवरीथिंग अभी हमारा फिजिकल डीएनए के अंदर एनर्जी की फॉर्म में हर एक लेयर पे फ्लो हो रहे हैं। नाइन्थ लेयर पे एनर्जीज कंप्लीट फ्लो के फिल हो रहे हैं। एक ब्लू कलर लाइट आपकी डीएनए के अंदर फ्लो हो रही जैसे इमेजिन कीजिए और वो ट्रांसक्रिप्शन को चेंज कर रहे हैं। आप जो भी पास्ट की कर्मा कैरी ऑन कर रही हो एक एक मिनट एक एक सेकंड आज से वो ट्रांसक्रिप्शन सारे मिट के स्टार प्लेडियंस आपके लिए जो भी इंफॉर्मेशन देगा वो ही ट्रांसक्रिप्शन रेप्लिका होएगा। आपकी ब्लूप्रिंट इज गोइंग टू चेंज एंड गिव यू अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड एनर्जी लाइफ बदलने के लिए। डीएनए अवेकनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम इज डीएनए। आपकी टेंथ लेयर पे एनर्जीज ट्रांसफॉर्म हो रही हैं। प्लेडियन से बातचीत करना शुरू कीजिए। आपको क्या चाहिए? आप क्या बनना चाहते हो? उनसे थोड़ी देर डिस्कशन कीजिए। हाँ मैं ये बनना चाहती हूँ, मुझे ये एनर्जी चाहिए। एंड आई एम सरेंडर टू द यूनिवर्स टू डू सर्विस फॉर ह्यूमैनिटी।
एनर्जीज एंड टेक्नोलॉजी आपकी 11th लेयर पे ट्रांसफर हो रही हैं। आपकी 12th लेयर की लास्ट एज तक छोटे छोटे मॉलिक्यूल तक फ्लो हो रही हैं। आप फर्स्ट लेयर से लेके 12th लेयर तक हायर एनर्जी आपकी डीएनए की स्टैंड की लेयर्स के अंदर फ्लो हो रही हैं और एक्टिव हो रही है। ये इमेजिन कीजिए। Settle down all the energies. सेटल डाउन ऑल द रियलिटीज। धीरे 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 आंख खोलिए।